सो लेट्स स्टार्ट क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस। जहाँ पिछली क्लास में हमने लीव करा था उससे आगे चालू करते हैं। तेजाबी बारिश, आज की वीडियो में हम जानेंगे तेजाबी बारिश के बारे में। तेजाबी बारिश होती क्या है? एसिड रेन जिसे कहते हैं अम्लीय वर्षा, और तेजाबी बारिश कहते हैं उर्दू में, और एसिड रेन इन इंग्लिश वी से एंड हिंदी अम्लीय वर्षा। सो फ्रेंड्स, तेजाबी बारिश जिसकी वजह से ताजमहल का कलर व्हाइट टू येलोइश चेंज बिकॉज ऑफ एसिड रेन, द कलर ऑफ द ताजमहल चेंज टू व्हाइट टू येलोइश, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्बल कैंसर। इसको मार्बल कैंसर भी कहा जाता है। जो एसिड वाली बारिश होती है उसकी वजह से ताजमहल का कलर चेंज हो गया है, वो पीला पड़ गया है, इसको मार्बल कैंसर भी कहते हैं, क्योंकि ये संगमरमर का बना हुआ होता है। जो संगमरमर पूरा सफ़ेद कलर का था वो अब पीले कलर का हो गया है हल्का हल्का। तो आइए इस वीडियो में हम इसके बारे में जानते हैं कि ये कैसा एसिड रेन कैसे होती है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ये केस स्टडी ऑफ ताजमहल। बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो ताजमहल को देखने जाते हैं, मगर इस पे भी बहुत सारे एक्सपर्टों का ये कहना है कि यहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है ऑटोमोबाइल्स के ज़रिए, और मॉन्यूमेंट बिल्डिंग्स ये सब डैमेज हो रही हैं पॉल्यूशन की वजह से। और वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं आगरा में, जैसे रबड़ इंडस्ट्रीज़, मथुरा ऑयल रिफाइनरीज़, जो कि प्रोड्यूस करती हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दीज गैसेज, आइए अब चालू करते हैं उसके आगे। दीज गैसेज रिएक्ट विद द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। जो मथुरा ऑयल रिफाइनरीज से जो हमारी पॉल्यूशन, जो एयर निकलती है, जो हमारी एयर को पॉल्यूट करती है, जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, ये देख सकते हैं आप मथुरा ऑयल रिफाइनरीज, ये है। तो ये मथुरा ऑयल रिफाइनरीज है, और ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, और ये स्प्रे करते हैं, पेंट करते हैं, तो इससे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हमारी एयर में मिक्स हो जाते हैं, और इससे एयर पोल्यूटेड हो जाती है, हमारी हवा अशुद्ध हो जाती है। और ये रबड़ इंडस्ट्रीज हैं, तो इसकी वजह से हमारी एयर पोल्यूटेड हो जाती है, और एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाते हैं। ये जो इन पॉल्यूटेंट्स ये हवा में मिल जाते हैं, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट कर जाती है हमारी हवा में, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, वाटर वेपर होती हैं, उनसे मिलकर जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एसिड रेन ऐसे होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हमारी रिवर है इसके पास में, तो ये वाटर वेपर यहाँ से रिलीज हुई, यहाँ से हीट हुई, ये सन है, यहाँ से ये हीट हुई, ये सल्फर डाइऑक्साइड इंडस्ट्रीज से निकली, इंडस्ट्रीज से ये निकला धुआं, और ये जो है वाटर, ये पानी, यहाँ पर ये सन है, तो सन की रेज इस पर पड़ी, सन की किरणें इस पर पड़ी, और इससे वाटर ऊपर वेपर की फॉर्म में आया, ये देख सकते हैं आप, ये वेपर की फॉर्म में आया। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन दोनों ने इससे वाटर से रिएक्ट करके HNO3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने तो नाइट्रिक एसिड बना लिया, और सल्फर डाइऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्ट कर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया, जो कि फिर ये इसको क्लाउड लेकर के इंडस्ट्री ताजमहल के पास पहुंचा। ताजमहल, तो ताजमहल पर ये रेन हुई, तो ये एसिड रेन कहलाई गई। तो एसिड रेन जब हुई तो ताजमहल का कलर पहले ये था वाइट, अब जो है हल्का येलोइश हो गया है, संगमरमर का बना हुआ है ये। जब एसिड रेन हुई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ने रिएक्ट कर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, यानी तेजाबी बारिश इसको कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये एसिड हो गया। एसिड यानी जिसकी पीएच 7 से कम होती है उसको कहते हैं हम एसिड। जितनी ज़्यादा कम पीएच होगी, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन,
जैसे अगर 5 हुई तो हल्का एसिड होगा, जितनी कम होगी, जैसे अगर 2 हुआ तो और ज़्यादा एसिड होगा, और 1 हुआ तो और ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यानी उतनी ज़्यादा एसिडिक रेन होगी, उतनी ज़्यादा हमारी तेज़ाबी बारिश होगी। तो ये तेज़ाबी बारिश की वजह से ये मार्बल कैंसर हुआ, ताजमहल जो वाइट से येलोइश हो गया। तो यही सब लिखा है इस पॉइंट में, इसको मार्बल कैंसर भी कहते हैं। द एसिड ड्रॉप्स डाउन विथ रेन मेकिंग द एसिडिक रेन, दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन क्रॉस द मार्बल ऑफ द मोन्यूमेंट, द फिनोमिना इज ऑल्सो कॉल्ड मार्बल कैंसर। इस फिनोमिना को कहते हैं मार्बल कैंसर। जैसा कि मैंने अभी बताया, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर सच एज द सूत पार्टिकल इमिटेड बाय मथुरा ऑयल रिफाइनरीज हैड्स कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द येलिंग ऑफ द मार्बल। जो हवा में कुछ पार्टिकल रह जाते हैं, सूत पार्टिकल जिनको बोलते हैं, जो कि मथुरा ऑयल रिफाइनरीज से निकलते हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया था वो जो धुआं निकलता है, तो उसमें से जो पार्टिकल्स निकलते हैं, सूत पार्टिकल्स, वो हवा में रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर वेपर से रिएक्ट कर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं या नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। अमल वर्षा के कारण स्मारक के संगमरमर का संक्षारण है। इस परिघटना को संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। मथुरा तेल परिष्करणी से उत्तर्जित काजल कण जैसे निलंबित कणों का संगमरमर को पीला करने में योगदान है। द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन सेवरल स्टेप टू सेव द ताजमहल। इट हैज ऑर्डर्ड इंडस्ट्रीज टू स्विच टू क्लीनर फ्यूल्स लाइक CNG कंप्रेस नेचुरल गैस एंड LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मोर ओवर द ऑटोमोबाइल शुड स्विच टू अनलेडेड पेट्रोल इन द ताज जोन। डिस्कस विथ योर एल्डर एंड सी वॉट दे हैव टू से अबाउट द कंडीशन ऑफ द ताज 20 or 30 years ago. Try to procure a picture of the Taj Mahal for your scrapbook. I am remember of the chapter on crop. I wonder whether acid rain affect the soil and plant also. ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत से उपाय किए हैं। माननीय न्यायालय द्वारा उद्योगों को CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस तथा LPG द्रवित पेट्रोलियम गैस जैसे स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त ताज के क्षेत्र में मोटर वाहनों को सीसारहित पेट्रोल का उपयोग करने के आदेश हैं। अपने बड़े बूढ़ों से चर्चा करके ये देखिए कि वे अब से 20 अथवा 30 वर्ष पूर्व के ताज की अवस्था के बारे में क्या कहते हैं। अपनी कतरन पुस्तिका के लिए ताजमहल का चित्र प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। मुझे फसलों वाला अध्याय याद है। मैं हैरान हूँ कि क्या अम्लीय वर्षा खेतों की मिट्टी, मुर्दा तथा पौधों को भी प्रभावित करती है। ये बुजू को याद है कि ये जो है क्रॉप हमारी फसल को भी बर्बाद करती है एसिड रेन, जो कि हमने पिछली वीडियोस में मेरी आप देख सकते हैं, जो एसिड रेन होती है वो सॉइल को भी खराब कर देती है और प्लांट को भी, जो मैंने अभी बताया। तो ये LPG CNG हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। जिस जगह ताजमहल है उस जगह हमें इंडस्ट्रीज में जो फ्यूल यूज़ होता है तो वो CNG यूज़ करें। हम कंप्रेस नेचुरल गैस यानी जो CNG जो ऑटो में डलती है, आप जिससे जाते हैं ऑटो में, जिसे आम भाषा में कहते हैं, और उसमें डलती है CNG कंप्रेस नेचुरल गैस LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बहुत ही है, जो आपके घरों में सिलेंडर प्रेजेंट होता है उसमें होती है वो, जिससे आप खाना बनाते हैं ज़्यादातर। अब तो बहुत बदलाव आए हैं, अब ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें आ गई हैं मार्केट में, मगर ये जो हैं ये लेस पोल्यूटेड गैसेज हैं, CNG और LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस नेचुरल गैस जो कि ऑटो में यूज़ होती है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग, और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये NO यानी ये नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ये इनके फॉर्मूलाज हैं, ये गिविन है।
ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है जो इंडस्ट्रीज से निकलती है, जिनके बारे में मैंने अभी बताया, ये गैसेस रिलीज होती हैं एटमॉस्फेयर में। सो थैंक यू, एंड चैनल को करें लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो डू नॉट मिस एन अपडेट ऑफ एनी एजुकेशनल वीडियो। थैंक यू।